नमस्कार, डेली टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। किंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइजर हैदराबाद जैसी मजबूत टीम को 15 रन से हराकर अब पॉइंट टेबल में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि इस मैच में सारा दारोमदार और सारा फोकस सभी का क्रिस गेल की तरफ रहा। क्रिस गेल ने 63 गेंदों में 104 रन ठोक डाले और महज एक चौका जड़ा और 11 छक्के जड़े थे। आपको बता दें कि क्रिस गेल के अलावा करुण नैयर ने भी किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से 31 रन ठोके। आपको बता दें कि आज किंग्स इलेवन के कप्तान अश्विन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक का पहला ऐसा डिसीजन है जब किसी कप्तान ने टॉस जीता हो पहले बल्लेबाजी की हो। उसके बाद तो क्रिस गेल का बल्ला ऐसा चला कि पूरे मैच में वही छाए रहे। निर्धारित 20 ओवरों में किंग्स इलेवन पंजाब ने 193 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर हैदराबाद को दो झटके जल्दी जल्दी लग गए, जहां उनके ओपनर शिखर धवन रिटायर हट हुए, वहीं दूसरे ओपनर उनके विद्यमान सा आउट होकर पवेलियन लौट गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए उसी पठान भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए और जल्द ही वो भी बोल्ड होकर चले गए। इसके बाद हालांकि कप्तान केन विलियमसन और मनीष पांडे ने थोड़ा टिककर कोशिश की और टीम के स्कोर को 100 के पार ले गए, लेकिन इसके बाद दोनों आउट हो गए और टीम महज 178 रन बना पाई, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। अगर थोड़ा तेज और खेलते तो शायद ये 15 रन का फासला पार हो सकता था और सनराइजर हैदराबाद को जीत हासिल हो सकती थी। लेकिन आज पूरा मैच क्रिस गेल का गवाह बना। जी हाँ, क्रिस गेल ने जिस अकॉर्डिंग बल्लेबाजी की सभी क्रिस गेल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्रिस गेल इस साल 39 साल के हो रहे हैं। 39 साल की एज में उनका इस तरीके का प्रदर्शन वाकई काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि उनको बोली में किसी ने नहीं खरीदा था। तीसरी बोली में जाकर वीरेंद्र सहवाग ने उन पर दाव लगाया और उनको खरीद लिया।